हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ आने का हमारा कारण है कि खेतों में सूअर ने कुछ नुकसान किया है, तो हम देखना चाहते हैं कितना सूअर ने नुकसान किया है खेतों में। ले जाने से पहले आपको मैं बता देता हूँ, सामने पॉली हाउस दिख रहा है। इस पॉली हाउस में पहाड़ी एरिया में इसका बनाने का मकसद ये है कि अनेक प्रकार की सब्जियाँ इसमें उगाई जाती हैं। बिन मौसम इसमें कोई भी सब्जी आप उगा सकते हैं, इसका ये फ़ायदा है, इसलिए गांव में इनको प्रमोट कर रहे हैं। काफ़ी अब नीचे की तरफ आपको दिखाऊंगा ना, बहुत सारे बने हैं। अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। देख सकते हैं आप, ये खेत बंजर पड़ चुका है। इस खेत का बंजर पड़ने का कारण ये है कि यहाँ से लोग पलायन कर चुके हैं। साथ में देख सकते हैं आप, इधर ये काफ़ी झाड़ियाँ हो चुकी हैं, पश्चिम खेतों में आ चुके हैं। फिर आपको बताना चाहूँगा कि वॉइस क्वालिटी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि यहीं पर एक छोटी सी नदी है जिसकी आवाज़ के कारण वॉइस क्वालिटी में आपको पीछे से प्रॉब्लम सुनाई दे रही होगी, तो आपको भी नदी दिखा देंगे। तो आगे चलिए, आपको आगे लोगों को देखते हैं। देखा होगा, अभी मैंने आपको नदी बताई, पर मैंने वहाँ पर कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि वहाँ पे नदी की साउंड आ रही थी, इस कारण प्रॉब्लम हुई। तो यही जो पानी है इसी से खेतों की सिंचाई होती है। और आपको ले चलता हूँ सीधा खेतों में। देख सकते हैं आप कितना नुकसान इधर, कितना आतंक इधर सूअर ने मचाया है, और उन्हीं खेतों में मचाए हैं जिन खेतों में अरवी लगाई थी। तो मैं आपको नीचे उतर के बता देता हूँ कितना कितना गहरा है। तो इसके लिए मुझे थोड़ा अपनी पैंट के बाजू ऊपर करने पड़ेंगे, तो आप रुकिए थोड़ा, मैं उतरता हूँ। देख सकते हैं आप, मैं उतरने वाला हूँ, पल उतार देते हैं। ये देख सकते हैं गीला है। ये देखिए जिन जगहों पर मैं जा रहा हूँ, यहाँ ये सूअर ने यह आतंक मचा रखा है। आपको लेके चलते हैं आगे तक। आइए देखिए कितने बड़े बड़े गड्ढे कर रखे हैं। इसके नीचे जो भी अरबी लगाई थी वो सारी की सारी सूअर खा चुका है। और ये देखिए कितना गहरा गड्ढा कर चुका है, ये सारा नुकसान हो रखा है। अब आप देख सकते हैं ये जहाँ जहाँ देख सकते हैं, जहाँ जहाँ मैं इशारा कर रहा हूँ, यहाँ यहाँ ये सूअर ने नुकसान पहुँचाया है खेतों को। देख सकते हैं इस तरफ भी काफ़ी आगे तक है, काफ़ी नुकसान होता है उधर भी। देख सकते हैं आप, पहाड़ी इलाके के जो खेत होते हैं वो आकार में छोटे होते हैं, यहाँ इतनी अच्छी उपज हो नहीं पाती है, पर मजबूरी है, करना पड़ता है, क्योंकि गांव में रोज़गार है नहीं, तो लोगों को अपना जीवन यापन करने के लिए खेती करनी पड़ती है। फिर भी कुछ ना कुछ हो जाता है खेतों में, मेहनत बेकार नहीं जाती है। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ की मेहनत एक तरह से तो कुछ खराब ही हो चुकी है। इधर जो भी अरबी इसके नीचे लगाई थी, गेहूँ के नीचे, वो सारी की सारी बर्बाद हो चुकी है सूअर के कारण। तो आपको ये देख सकते हैं, हमने इधर बाड़ भी की थी ताकि इस पर अंदर कोई आना सीख। बाड़ मतलब कहने का मतलब है जैसे घेराबंदी नहीं होती ताकि कोई जानवर अंदर ना आ सके, उसकी वजह से ये लगाई हुई है। और वहाँ पे भी ये हमने घेराबंदी की है, पर इसके बावजूद भी सूअर आया, उसने अपना आतंक मचाया, जिसके कारण किसान को काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि इस खेत के अलावा अन्य खेतों में भी सूअर ने नुकसान किया है, उस खेत में हो गया, इधर सामने हो गया, और खेत उनमें भी नुकसान कर रखे हैं, पर सिर्फ उन्हीं खेतों में कर रखे हैं जहाँ अरबी लगाई हुई थी। तो मैं ऊपर आ जाता हूँ, देख सकते हैं आप, मुझे यहीं पर आना पड़ेगा क्योंकि हमने उधर से घेराबंदी कर रखी है, वहाँ पे नहीं आ पाएंगे, हम कांटे चूक सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, मैं ऊपर आ चुका हूँ, पैरों में मिट्टी लगी है, और अब मैं जाता हूँ चप्पलों के पास, चप्पल पहन लेता हूँ, यहाँ कोई कांटे कूटे ना चूके। जैसे आप देख सकते हैं चप्पल तो मैंने पहन लिए, अब ऊपर आपको लेके चलते हैं और खेतों में कितना तहलका मचा रखा है सूअर ने। तो चलते हैं फिर खेतों में, देख सकते हैं बाकी खेत हैं इधर,
इनके तो फिलहाल नहीं है। ये देख सकते हैं आप आम का पेड़, ये तकरीबन 100 साल पुराना पेड़ है और इसके काफ़ी मात्रा में आम आते हैं, सीजन होते हैं इसका। आप देख सकते हैं जैसे कि ये खेत है, इस खेत में भी जा रखा है सुअर, पर इसको इतने नुकसान नहीं कर रखा है क्योंकि इस खेत में अरबियाँ नहीं थी। यहाँ से गया इसके सिर्फ पैरों के निशान है इसमें, बाकी उसने इस पर कोई आतंक नहीं मचा रखा है। अगर अरबी होती इसमें तो इसमें भी काफ़ी नुकसान मचाता सुअर। ये देख सकते हैं आप सुअर के पैरों के निशान, बाकी कोई नुकसान नहीं किया है। देख सकते हैं आप इस खेत में भी नुकसान किया है उसने, बगल वाले नीचे वाले जो खेत हैं इनमें कोई नुकसान नहीं किया है क्योंकि इनमें अरबी नहीं है, वो अरबी खाने के लिए आता है। इसी खेत में अरबी थी इस कारण इसमें काफ़ी नुकसान किया उसने, साथ में इन खेतों में कोई नुकसान नहीं हो रखा है क्योंकि इसमें अरबी नहीं थी। देख सकते हैं आपके साथ सुंदर दृश्य दिख रहा है, अभी छोटी छोटी गेहूँ के पौधे उग रखे हैं, साथ में सिंचाई हो रखी है खेत में। अभी आपको चिकन बहुत साथ ही आम का पेड़ है, 100 साल पुराना पेड़ है, इसके नीचे लोग काफ़ी बैठते हैं, इन पत्थरों में बैठते हैं, आराम करते हैं। और देख सकते हैं आप प्राकृतिक नज़ारा, मज़ा प्राकृतिक दृश्य देखने में मज़ा आ रहा है। अभी आपको आगे लेके चलते हैं, देख सकते आप ये देख सकते हैं आप, वहाँ पे भी घेराबंदी की हुई है ताकि जंगली जानवर अंदर ना घुस सके। ये देख सकते हैं आप, ये पानी के लिए नहर है जिसको नदी से इस नहर के द्वारा पानी आता है, अच्छी तरह लगाया जाता है। देख सकते हैं आप ये रास्ता है, गांव के छोटे छोटे रास्ते होते हैं जिसमें कभी इंसान भी चलते हैं और जानवर भी चलते हैं, खेतों में जाते हैं सिंचाई करने के लिए। चलिए देखते हैं, अभी एक जंप लगाता हूँ मैं, फिर हूँ ना। तो ये देख सकते हैं आप, मैं उतर चुका हूँ। ऐसे खेत तो गीले हैं पर मेरा उस पार जाने का दिल है, तो किनारे की तरफ से उधर चलते हैं। देख सकते हैं दोस्तों आप, मैं किनारे की तरफ से उछाल रहा हूँ, इधर भी मैं आपको नदी दिखाऊंगा, वही नदी जो मैंने आपको नीचे दिखाई थी इधर ही से होके गुजर रही है। यहाँ पर मैं जा रहा हूँ, आपको वही नदी दिखाऊंगा जो उधर दिखाई थी, यहीं से बहती है उधर। वहाँ पर मैं कुछ बोलूँगा तो सुनाई नहीं देगा आपको, इसलिए मैं इशारों में आपको समझा दूँगा, आप समझ सकते हैं। आइए मैं दिखाता हूँ आपको वही नदी जो हम नीचे देखा था, जहाँ उसमें पानी की मात्रा कितनी। ये देख सकते हैं देख सकते हैं आप, मैं खेतों में गया था, पैरों में मिट्टी लगी है, मैं पैर धोने जा रहा हूँ यहीं पे। तो चलिए, वहाँ पे आवाज़ नहीं आएगी तो आप समझ सकते हैं। यहाँ पे आवाज़ तो बहुत कम आई होगी क्योंकि यहाँ पे नदी है। देखते हैं, चलो पैर धो लेते हैं, उसके बाद क्या होता है।
हमने आपको एक बताया खेती का तरीका, एक महान पुरुष ने कहा है जय जवान जय किसान। तो देख सकते हैं आप उस महान पुरुष का नाम है लाल बहादुर शास्त्री जी। तो खेती के नज़ारे से हम आपको समझा सकते हैं कि उन्होंने ये क्यों कहा होगा। तो अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। प्लीज़ दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बस इतने के साथ आपके साथ विदा लेता हूँ और आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए लव यू गाइज़।